गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार मॉडिफिकेशंस के बारे में। आए दिन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस लोग अपनी कार्स में कराते हैं। आज हम ये थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस तरह की मॉडिफिकेशंस कराना ठीक रहता है और किस तरह की मॉडिफिकेशंस कार को नुकसान पहुँचा सकती हैं, और इनमें से कई सारी मॉडिफिकेशंस इलीगल भी हैं। तो लोग मॉडिफिकेशंस तो करा लेते हैं लेकिन उनको इनकी लीगैलिटीज़ के बारे में शायद ज़्यादा पता नहीं होता, तो बाद में ये काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। सेफ्टी फर्स्ट। जो एक सबसे कॉमन मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट हर कोई अपनी कार में कराता है, जो भी मॉडिफिकेशंस के लिए अपनी कार लेके जाता है, ये सबसे कॉमन मॉडिफिकेशन है, वो कार में अलॉयज डलाना। अलॉयज डलवाना एक अच्छा डिसीजन रहता है। कई केसेस में अलॉयज आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देते हैं, तो ये ऑल इन ऑल एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन इसमें जो लोग गलती करते हैं, जैसा कि आप इन वीडियोस में देखेंगे, अलॉयज को काफ़ी ज़्यादा अपसाइज करा लेते हैं लोग। मान लो आपकी कार का व्हील साइज है 16 इंचेस और आप 19-20 इंचेस के अलॉयज डलवा दें, तो इस तरह की मॉडिफिकेशन टेक्निकली लीगल नहीं है। तो ऐसी मॉडिफिकेशंस पे आपको चालान भी हो सकता है, इसलिए इस तरह का ये नहीं कराना चाहिए। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि इससे उनकी कार कूल लगती है। इससे कार कूल बिल्कुल नहीं लगती। ये काफ़ी वियर्ड सी लुक आती है कार में, बट फिर भी कुछ छपरी लोग इससे कूल मानते हैं और वो ऐसी मॉडिफिकेशंस कराते हैं। तो छपरी ना बने और एक 16 इंच सपोर्ट करने वाली कार में 17 इंच तक के अलॉय व्हील्स अच्छे लगते हैं। उससे ऊपर अगर आप करेंगे, मतलब एक साइज़ आप कर सकते हैं, उससे ऊपर आप करेंगे तो आपको लीगली भी प्रॉब्लम होगी और कार दिखती तो बहुत ही अजीब है। आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक वगैरह पे, मतलब सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की मॉडिफिकेशन जो आप अभी देख रहे होंगे वीडियो में, बहुत ट्रेंड कर रही हैं। आए दिन ऐसी मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं आपको। एटलीस्ट जहाँ से मैं हूँ, दिल्ली से, तो दिल्ली और इसके आसपास नेबरिंग रीजन्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। कोई भी एक बेस मॉडल कार लेके उसको टॉप मॉडल बनाने की कोशिश करता है, और कभी मोस्टली लोग तो उसको टॉप से भी आगे लेके जाने की कोशिश करते। मतलब लोगों का ये मानना है कि अलॉय व्हील डलवाने से उनकी कार हवाई जहाज बन जाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। टायर अच्छे लगाने चाहिए, टायर अच्छी ग्रेड के, अच्छी क्वालिटी के लगाने चाहिए, ये रेकमेंडेड है। लेकिन इस तरह की मॉडिफिकेशंस बहुत ही वाहियात लगती हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन काफ़ी कॉमन हो गई हैं। और इसमें एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, ये ऐसी मॉडिफिकेशंस ज़्यादातर आपको महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो एन या स्कॉर्पियो बलेरो ऐसी गाड़ियों में ही देखने को मिलेंगी। ये मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मोस्टली आपको देखेंगी ये ऐसी मॉडिफिकेशंस इन्हीं कारों में। महिंद्रा की XUV 700 ले लो, उसमें लोग ऐसी मॉडिफिकेशंस नहीं करते, क्योंकि उन कार्स को लेने वाला, मुझे लगता है, कस्टमर बेस थोड़ा सेंसिबल है। उनको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए जिसमें फंक्शनैलिटीज चाहिए, सेफ्टी वगैरह के फीचर्स चाहिए। उनके लिए वो चीज़ें ऑलरेडी कंपनी देती है, हालांकि सारी चीज़ें इन कार्स में भी वही कंपनी, सेम कंपनी देती है, बट इनको लेने वाला कस्टमर बेस जो है उन्हें कुछ और ही चाहिए। तो ये मॉडिफिकेशंस अवॉइड ही करनी चाहिए मेरे लिहाज से। नेक्स्ट है ये वाली मॉडिफिकेशन, आप इस कार में देखिए। ये मॉडिफिकेशन मैंने देखी है, लोग ये जो छोटी गाड़ियाँ रहती है अपनी, i10, स्विफ्ट, ऐसी गाड़ियाँ जिनमें सनरूफ नहीं आती,
तो इन कार्स में लोग सनरूफ डलवाने की कोशिश करते हैं, आफ्टर मार्केट जाके सनरूफ डलवाते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन भी बहुत ही अनसेफ और रिस्की मॉडिफिकेशन है। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, स्पेशली इस मॉडिफिकेशन में आपको कोई भी कंपनी इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगी। आप कार के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर रहे हैं, आप कार की स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगी। साथ ही में ये सक्सेसफुल रहेगा नहीं। आप देखेंगे इवन कंपनी की तरफ से डले हुए सनरूफ्स भी फेल हो जाते हैं, कई बार लीकेज का प्रॉब्लम आता है, उनकी प्रॉपर सेटिंग का इशू आता है। तो जब ऐसे सनरूफ जो कंपनी ने खुद इंस्टॉल करें वो फेल हो जाते हैं, तो ये आफ्टर मार्केट सनरूफ कैसे कामयाब रहेंगे? ये बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, मतलब ये टोटली इलीगल है, इस पे चालान भी हो सकता है। मतलब तो आप ये प्लीज ना कराया करें, इससे अच्छा है अगर आप करना ही है आप एक कार विद सनरूफ ले लें। बजट में नहीं आती तो सेकेंड हैंड मार्केट में भी आपको उसी प्राइस पॉइंट पे मिल जाए। एक और मॉडिफिकेशन जो छपरी मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आती है वो है कार में हाई इंटेंसिटी वाली हेडलाइट्स लगवाना। अब लाइट्स का भी एक स्टैंडर्ड रहता है कि अप टू सर्टेन इंटेंसिटी आप हेडलाइट्स लगवा सकते हो, क्योंकि हेडलाइट्स का काम आपको बस अंधेरे में अच्छी विजिबिलिटी देना है, ना कि आगे से आने वाले ट्रैफिक को ब्लाइंड करने का है। तो उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड है, उसके अंदर ही मैं कोशिश करूँगा एक चार्ट यहाँ पर ऐड कर दूँ जो आप रेफ़र कर सकते हैं इंटेंसिटी देखने के लिए कि कितनी इंटेंसिटी तक लीगल है। तो अगर आप अब मार्केट में जाके एक हाई इंटेंसिटी आफ्टर मार्केट लाइट लगवाते हैं जो कि अगेन लोग क्रेटा वगैरह ऐसी एसयूवीज में बहुत लगाने लग गए हैं, तो ये भी इलीगल है। इससे क्या होगा, सामने से आने वाले को एकदम आप मतलब एक तरह से ब्लाइंड कर देते हैं, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है क्योंकि इतनी तेज लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है, आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो काफ़ी रिस्की साबित हो जाता है। ये वाला मॉडिफिकेशन भी इलीगल है और नहीं कराना चाहिए। आप अपनी विजिबिलिटी के लिए दूसरों को अंधा कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका जीरो सेंस बनता है। तो पता नहीं क्यों लोग कराते हैं, बट ये काफ़ी कॉमन है, बहुत ज़्यादा होने लग गया। लोग करोल बाग चले जाते हैं, वहाँ पर शॉपकीपर्स को अपसेलिंग करनी है, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो उनको कह देते हैं कि नहीं ये लीगल है, ऐसा है वैसा है, कुछ है नहीं, वो लगा देते हैं, उनका काम हो गया। उसके बाद आप जानो और पुलिस। तो प्लीज़ ऐसी मॉडिफिकेशंस ना करें। आपकी कार में अगर मतलब लोअर वेरिएंट्स में हैलोजन हेडलैम्प्स हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी हेडलैम्प्स में चेंज करा सकते हैं और नॉर्मल इंटेंसिटी के अंदर ही उनको अपग्रेड करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम ही ऐसी ब्लाइंडिंग वाली हेडलाइट्स लगवा दें कि जो सामने वाले लोगों को अंधा कर दें। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। इसी लाइट के रिलेटेड एक और मॉडिफिकेशन है जो आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है, पहले ये हमें देखने को नहीं मिलती थी। इसमें क्या करते हैं लोग, रेयर फ्लैश लाइट्स इंस्टॉल कराने लग गए हैं।
तो इनका कुछ ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया कि इनका पर्पस क्या है। आप इमेजिन करिए, आप पीछे से आ रहे हैं और आपके सामने कोई कार जा रही है, आपको लग रहा है कि आपका मतलब रास्ता ब्लॉक हो रहा है उससे, तो आप उससे पास लेने के लिए फ्लैश यूज़ करते हैं और वो सामने से भी आप पे फ्लैश करता है। आपकी कार मूवमेंट में है और सामने से भी वो फ्लैश करता है, तो आपकी विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये इनकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ऐसा लगता है कि सामने से कोई आप पे हाई बीम हेडलाइट्स मार रहा है। तो इस वीडियो में आप देख के समझ सकते हैं कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी रिस्की कॉन्सेप्ट है और ये टोटली इलीगल है, क्योंकि इनका कोई पर्पस ही नहीं होता। अब ये फ्लैश लाइट कोई भी कंपनी अपनी कार्स में नहीं देती है रेयर में, क्योंकि इनका रियल लाइफ में कोई पर्पस है नहीं, और नंबर दो, ये काफ़ी रिस्की हैं पीछे से आने वाली कार्स के लिए। लेकिन लोग अब गुंडागर्दी करने के लिए अपनी कार में फ्लैश लाइट्स रेयर में भी लगाने लग गए हैं। पहले हमें पता था कि अगर कोई छपरी आ रहा है, 200 मीटर में भी डिस्टेंस पे कोई छपरी आ रहा है, तो उसका पहले आइडेंटिफिकेशन इससे होता था कि काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक आता था, कार के सारे शीशे डाउन करके वो फुल वॉल्यूम पे म्यूज़िक चलाते थे, वो भी आफ्टर मार्केट म्यूज़िक सिस्टम डलवा के, आफ्टर मार्केट स्पीकर्स, वूफर्स वगैरह डलवा के, तो वो हमें पता चल जाता था 100-200 मीटर पे। लेकिन अब छपरी लोग थोड़ा और अपग्रेड हो गए। अब वो चाहते हैं कि आप 1 किलोमीटर पहले ही पता कर लें कि वो आ रहे हैं, तो उसके लिए अब उन्होंने लेज़र लाइट्स लगाना चालू कर दिया है। तो अब अगर आपको जानना है कि कोई छपरी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको 1 किलोमीटर पहले ही पता चल जाएगा। ये भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों करते हैं लोग, आज तक समझ नहीं आया। इससे क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है जनता को, कोई पता नहीं चल रहा मुझे, बट ये कॉमन हो गए। तो ऐसी हरकतें ना करें तो अच्छा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या सजेशंस हैं, आपकी क्या राय है मॉडिफिकेशंस को लेके, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें अपना सपोर्ट देते रहें। हम आप तक ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे।